आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। पटेल ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी वजह बताई है। उर्जित पटेल ने अपने बयान में कहा, मैं व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बीते वर्षों में आरबीआई में काम करना मेरे लिए गर्व की बात रही। इस दौरान आरबीआई के अधिकारियों, प्रबंधन और स्टाफ का भरपूर सहयोग मिला। यह भी कहा गया कि सरकार रिजर्व बैंक से 3.60 लाख करोड़ रुपए की मांग कर रही है, जिसका आरबीआई ने विरोध किया है। इस खींचतान के बीच गवर्नर उर्जित पटेल ने 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पटेल लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स से स्नातक हैं और फिर उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के करीबी सहयोगी माने जाने वाले पटेल को महंगाई के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले राजन के मजबूत सिपाही के तौर पर जाना जाता है। उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वह बहुत याद आएंगे। दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार उर्जित पटेल की सेवाओं की पूरी गंभीरता के साथ सराहना करती है। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने कहा, मोदी राज में एक और संस्थान की शुचिता नष्ट हुई। आरबीआई गवर्नर को जिस तरीके से हटने के लिए बाध्य किया गया है, वह भारत की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली पर एक धब्बा है। ममता ने पटेल के इस्तीफे का हवाला दिया और कहा, देश में राजनीतिक आपात की स्थिति तो थी, अब आर्थिक आपात भी उत्पन्न हो गया है।